हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन जूरिसप्रूडेंस 1 के बारे में, जिसका कोड है K-1001। ये क्वेश्चन पेपर 2015 में आया था। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 आवर्स मिले थे और इसका मैक्सिमम मार्क्स इसके अंदर थे 100। क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया था, सेक्शन ए, बी और सी, और सभी सेक्शंस को उन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना था। इंस्ट्रक्शन में बताया गया है, दिस पेपर इज डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शंस, ए, बी एंड सी। सेक्शन ए कंटेन्स डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस, सेक्शन बी कंटेन्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड सेक्शन सी कंटेन्स वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अटेम्प्ट ऑल द सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। दिस सेक्शन कंटेन्स 5 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स, आंसर मस्ट बी डिस्क्रिप्टिव। इस सेक्शन के अंदर आपके टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर से आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के पर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। टोटल मार्क्स जो मिलेंगे आपको 60 मार्क्स मिलेंगे। हिंदी में इसका अनुवाद है, इस खंड में 5 प्रश्न हैं, किन्हीं 3 प्रश्नों के हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है, विस्तृत उत्तर अपेक्षित है। इसका मतलब आपको 250 वर्ड से ज्यादा आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जूरिसप्रूडेंस इज द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। ये जॉन ऑस्टिन का सिद्धांत है। इसका हिंदी में अनुवाद है, विधि शास्त्र निश्चयात्मक विधि का दर्शन है, ऑस्टिन विवेचना कीजिए। इसमें आपको ऑस्टिन की जो थ्योरी थी उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है। 250 वर्ड से ज्यादा का आंसर होना चाहिए आपका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द साल्मन डेफिनेशन ऑफ लॉ एंड एग्जामिन हाउ फार इट इज पॉसिबल टू इंडियन लीगल सिस्टम। साल्मन द्वारा प्रतिपादित विधि की परिभाषा की व्याख्या कीजिए और समझाइए कि यह भारतीय विधि प्रणाली के लिए कहाँ तक उपयुक्त है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज पाउंड थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। ये बहुत फेमस थ्योरी थी, रॉस्को पाउंड की सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी। इसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। हिंदी में अनुवाद है, पाउंड के सामाजिक अभियांत्रिकी के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रोफेसिस ऑफ व्हाट द कोर्ट विल डू इन फैक्ट एंड नथिंग मोर प्रिटेंशन आर व्हाट आई मीन बाय लॉ। न्यायालय वास्तव में क्या करेंगे, इससे संबंध रखने वाली पूर्वोक्तियां ना कि उससे बढ़कर कोई सिद्धांत मेरे अनुसार कानून है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज नेचुरल लॉ, एग्जामिन हिस्टोरिकली। नेचुरल लॉ क्या है, हिस्टोरिकली इसको डिटेल में बताइए। हिंदी में अनुवाद है इसका, प्राकृतिक विधि क्या है, ऐतिहासिक दृष्टि के परीक्षण कीजिए। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी खंड बा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लघुत्तरी प्रश्न है ये। इस सेक्शन के अंदर 3 क्वेश्चन है, आपको 2 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। इससे पहला जो सेक्शन था सेक्शन ए, उसके अंदर आपको 20 मार्क्स मिल रहे थे, इसके अंदर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, राइट शॉर्ट नोट ऑन डगिट डॉक्ट्राइन ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी। डगिट के सामाजिक समेकता के सिद्धांत पर एक टिप्पणी लिखी है। यहाँ पर आपको अपना आंसर 250 वर्ड्स के अंदर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन द वॉल्जिस थ्योरी। ये बहुत पॉपुलर थ्योरी थी, इसके बारे में आपको बताना है। विधि के लोक चेतना के सिद्धांत को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 8, What is the difference between Austin and Kelsen as jurist? Austin और Kelsen जो कि jurist थे, उनके बीच के difference को समझाइए। हिंदी में इसका अनुवाद है, विधि शास्त्रियों के रूप में Austin एवं Kelsen का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी खंड सा, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है इसके अंदर। इसके अंदर आपके 5 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन करना जरूरी है, कंपल्सरी है। देर इज नो इंटरनल चॉइस, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। ये सेक्शन 20 मार्क्स का है। इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन ग्रंड नॉर्म्स गिवन बाय कैल्सन। कैल्सन का जो ग्रंड नॉर्म डेफिनेशन थी उसको आप परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, राइट ए वेरी ब्रीफ कंट्रीब्यूशन ऑफ सेविग्नी टू जूरिसप्रूडेंस। सेविग्नी की वॉल्क जिस थ्योरी थी उसके बारे में आपको बहुत अति संक्षेप में बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट ए वेरी शॉर्ट नोट ऑन डगिट्स कंट्रीब्यूशन टू जूरिसप्रूडेंस। डगिट का जो जूरिसप्रूडेंस के अंदर कंट्रीब्यूशन था इसको आपको संक्षेप में बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द स्टैमलर थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ। स्टैमलर की नेचुरल थ्योरी क्या थी वो भी आपको बताना है। हिंदी में इसका अनुवाद है, स्टैमलर का प्राकृतिक विधि का सिद्धांत क्या था इसके बारे में बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द मार्क्स अप्रोच टू लॉ, राइट इन ब्रीफ। मार्क्स की विधि संबंधी सोच क्या थी संक्षेप में लिखिए। यहाँ ये क्वेश्चन पेपर एंड हो जाता है। इसके अंदर 13 क्वेश्चन थे और 3 सेक्शन थे। आपको ये भी बता दें हम कि हमने इसी चैनल पर एलएलबी और बीएलएलबी के प्रीवियस ईयर्स यानी ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के
बारे में वीडियो बनाई हैं, उन सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको भी एक बार जरूर चेक कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने से आपको एग्जाम में अपना आंसर लिखने में अच्छी उपलब्धि मिलती है, अच्छी तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।